नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल हिंदी न्यूज। दोस्तों, दिल्ली में की शादी तो गोवा में हुई लड़ाई उलझी है इस लेडी के मरने की वजह। जयपुर के चर्चित शुभांगना की मौत की मिस्ट्री अभी भी सुलझ नहीं पाई है। इस हाई प्रोफाइल मौत के मामले में जानकारी मिली है कि ग्रेजुएट शुभांगना ने 9वीं पास राजकुमार से 1997 में दिल्ली जाकर आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। दोनों के बीच पहली बार विवाद गोवा में हुआ था। थाने में ये बताया शुभांगना के पति ने। अशोक नगर थाना पुलिस की पूछताछ के लिए शुभांगना का पति राजकुमार अपने काउंसलर के साथ थाने पहुंचा और बताया कि पहला विवाद 2014 में गोवा में हुआ था। घाटे में चल रहा था कॉलेज और रिसोर्ट। शुभांगना के पति राजकुमार के अनुसार दोनों ने वर्ष 2002 में कॉलेज और फिर जैसलमेर में रिसोर्ट खोला था, लेकिन पति और पत्नी के बीच विवाद होने पर दोनों ही घाटे में चल रहे थे। नतीजा यह हुआ कि शुभांगना बेहद मानसिक दबाव में आ गई। भी मिली है कि जयपुर के नामी मनोचिकित्सक से उसका इलाज भी चल रहा था। 20 अगस्त को शुभांगना ने सास को घर पर बुलाया था। शुभांगना ने अपने जेठ और सास को फोन कर 20 अगस्त को घर पर बुलाया था। दो दिन वो यहां पर ठहरकर भी गए थे और इस दौरान शुभांगना को SMS अस्पताल भी ले जाया गया। राजकुमार को उसके भाई और मां ने शुभांगना के घर बुलाया था, लेकिन राजकुमार नहीं आया। पति से मिली थी शुभांगना। 23 अगस्त को सुबह शुभांगना गाड़ी लेकर कॉलेज में ठहरे राजकुमार को लेकर घर आई, बाद में उसे वापस भेज दिया था। पुलिस पूछताछ में राजकुमार ने बताया कि शुभांगना ने राजकुमार को कहा था कि इस बात को पता उसके पिता प्रेम सुराणा को नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद।